नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे JSSC स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है उसकी तैयारी कराई जा रही है। और इंग्लिश में हमने अब तक बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो आपका रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, टेंस हो गया और प्रीपोजिशंस हो गया, तो ये सब मेजर टॉपिक है आपके, तो वो मैं जल्दी इसको भी कवर कर दूंगा। तो जो आपका क्वेश्चन JSSC में पूछे जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने लगभग लगभग टॉपिक जो है आपका वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, और जो रिमेनिंग है वो भी कवर कर लेंगे। और हमने वोकैब का भी सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था। वोकैब में हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस का दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और उसके बाद जो आपका जो रिमेनिंग जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स या इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो भी हम लोग आने वाले क्लासेस में कवर करते चलेंगे। आपका सिलेबस टाइम पे पहले ख़त्म हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो वो देखिए वो मेरी जिम्मेदारी है कराने की। जब मैंने यहाँ पे अपने पे लिया हूँ कराने के लिए, तो वो आपको मैं करा के ही रहूँगा और टाइम से पहले भी करा के रहूँगा। बस आप लोग अपने तरफ से वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और देखिए हमारा जितने भी वीडियोस हैं इंग्लिश के, तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारा जो इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्शन यानी कि इंग्लिश का जो मेरा प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है उसको भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग सारा इंग्लिश का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसका थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। इसको भी आपको उसी तरीक़े से ही याद करेंगे जैसा कि पहले मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बताया था। तो इसमें भी आपको उसी के अकॉर्डिंग ही याद करना है, और ये बिल्कुल ही ईजी रहेगा, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा मैं आपको बताऊंगा आपको उसी तरीक़े से आप मेमोरी में अपना फिगर बनाते चलिए। तो देखिए इसमें पहला जो है आपका इसमें कि बीट हॉलो है इसमें। तो बीट हॉलो का मतलब होता है कि काफ़ी आसानी से एवं बुरी तरह से पराजित कर देना, यानी कि टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंसली। यानी कि किसी को यदि आप बहुत ही आसानी से या फिर आप किसी को बहुत ही बुरी तरीक़े से आप हरा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बीट हॉलो। अब इसको कैसे याद करिएगा, तो देखिए ये हॉलो हॉलो का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज़ उसके अंदर में क्या है, एक एक मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे खाली जगह है। हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली जगह है। तो आप सपोज कीजिए कि कोई एक जगह है, आप वहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल खाली जगह है। तो बिल्कुल खाली जगह में खेलना आपका क्या है, मतलब कि बिल्कुल खाली जगह पे आप खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ आपका जीतने का चांस क्या है, बहुत ही आसान है। अब जहीं आप कहीं पे मान लीजिए कि भीड़ रहेगा या फिर कहीं बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वहाँ थोड़ा खेलना मुश्किल होता है या किसी को हराना मुश्किल होता है। बट यदि कहीं पे बिल्कुल ही खाली है, तो वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ खेल रहे हैं, तो अकेला खेल रहे हैं समझ लीजिए एक तरीका से, यानी कि हॉलो जगह है, यानी कि खाली जगह है, आप वहाँ खेल रहे हैं, तो आप किसी को बहुत ही आसानी से आप हरा देंगे। ये सब आप बस मेमोरी में अपना बनाते चलिए पिक्चर को, ताकि आपको याद हो जाए। तो इसका क्या हो जाएगा बीट हॉलो का, कि टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंसली। अब दूसरा देखिए कि एट बेक एंड कॉल, यानी कि दूसरा जो आपका 32वां नंबर है ये क्या है, बेक एंड कॉल है। तो बेक एंड कॉल का मतलब होता है कि आज्ञा में रहना, यानी कि रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। यानी कि कोई आपको जैसे ही ऑर्डर देता है, तो आप उसको तुरंत मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यानी कि ये क्या होता है, बेक एंड कॉल। तो आप इसको कैसे याद कीजिए कि सपोज यहाँ पर फिगर में देखिए ये क्या किया जा रहा है कि बेक एंड कॉल, यानी कि ये क्या कर रहा है, किसी आदमी को कॉल कर रहा है, उंगली से बैक करके कॉल कर रहा है। तो यानी कि कोई बुला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप तुरंत आ जाते हैं उसको देखते हुए। तो बेक एंड कॉल का मतलब क्या हो गया कि आज्ञा में रहना, यानी कि कोई इशारा कर रहा है आपको, उंगली से कॉल कर रहा है, तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उसका आज्ञा मान रहे हैं, यानी कि आप उसके आज्ञा में रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडी टू ऑबे ऑर्डर इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत तैयार हो जाना। अब अगला देखिए 33 नंबर का जो है आपका कि बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कि आनंद से भरपूर, यानी कि प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ ए कंफर्ट, यानी कि ऐसा सिचुएशन कि जिसमें आपको बहुत ही आनंद हो। तो देखिए कैसे याद करेंगे, ये आपका क्या है, बेड ऑफ रोजेस है। तो सपोज कीजिए कि आपका जो बेड है वो कैसा है, रोज का बना हुआ है, यानी कि रोज का है, यानी कि गुलाब का है। तो यदि आप गुलाब के फूल पे आप सोइएगा, आपको वैसा बेड मिला हुआ है, तो आपको क्या होगा, आनंद आनंद ही आनंद मिलेगा, आप आनंद से भरपूर रहिएगा। तो आप उसको ऐसी तरीक़े से आप मेमोरी में याद कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेड ऑफ रोजेस का मतलब आनंद से भरपूर हो जाएगा। अब उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए अगला जो आपका है इसमें बेड ऑफ थॉर्न्स है।
तो बेड ऑफ थॉर्न मतलब आप पहले थॉर्न का मीनिंग समझिए। थॉर्न्स का मतलब होता है कि कटीला, यानी कि जो कटीला पौधे होते हैं उनको थॉर्न बोला जाता है। तो यदि बेड ऑफ थॉर्न्स होगा, यानी कि कटीला अगर बेड होगा, यानी कि आप इसमें जैसे कि ये जिसमें कांटेदार पौधे होते हैं, आप उस पर यदि आप सोइएगा, यदि उसका बिछौना है, तो क्या होगा, आपको दुख एवं तकलीफ तो होगा ही। तो इसका मतलब है कि बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब क्या हो गया कि दुख दुख एवं तकलीफ से भरपूर, यानी कि ऐसा सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, यानी कि आप एक्सट्रीम डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा बेड ऑफ थॉर्न्स हो जाएगा। तो आप उसको रिलेट कीजिए कि जब आप बेड ऑफ थॉर्न्स पे जब आप सोइएगा तो क्या होइएगा, आप दुख एवं तकलीफ से भरपूर में रहिएगा, आप तो आनंद तो रहिएगा नहीं। तो आपको बेड ऑफ रोजेस और बेड ऑफ थॉर्न्स दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगला देखिए 35वां नंबर कि बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी कि बेगर डिस्क्रिप्शन इसका मतलब होता है कि अवर्णनीय, यानी कि अ पर्सन विथ नो रिसोर्स, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, यानी कि उसके पास कोई अवर्णनीय नहीं है। मतलब कि ये इसका मतलब आप फिगर से समझिए कि बेगर डिस्क्रिप्शन, कि यदि कोई बेगर होगा, यदि कोई वो डिस्क्राइब कोई चीज़ कर रहा है, तो क्या होगा, वो कोई मायने नहीं रहेगा, उसका कोई अवर्णनीय होगा, और इसका मतलब है कि इसके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया इसका कि अ पर्सन विथ नो रिसोर्स हो गया। अब अगला देखिए जो 36वां नंबर है इसमें, तो इसमें देखिए है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है कि जोखिम उठाना, और इंग्लिश में हम बात करते हैं इसमें तो टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। अब इसको आप समझिए कि बेल द कैट का मतलब क्या है, कि जैसे आपने एक कहानी सुना होगा कि जैसे बेल द कैट, यानी कि कोई एक बिल्ली रहती थी, वो आके चूहों को खा जाता था, लेकिन सब चूहे एक दिन मिल के क्या करते हैं कि चलिए कि हम बचने के लिए क्या करते हैं कि बिल्ली के घंटे में बिल्ली के गले में घंटा बांध देते हैं। तो वो क्या होता है, वहीं से एक प्रोवर्ब ये लिया गया है, यानी कि बेल द कैट। तो अब बात यहाँ पे आती थी कि उन लोगों चूहा ने सोचा कि भाई अब घंटी तो बांधना है, लेकिन कौन उठाएगा जोखिम, क्योंकि भाई जो भी जाएगा उसको तो बिल्ली खा जाएगी। तो इसमें जो भी अब पहले बांधने के लिए जाएगा तो वो क्या होगा, वो जोखिम उठाएगा ही उठाएगा। तो आप लोग वहीं से याद कीजिए, यानी कि बेल द कैट, यानी कि बिल्ली को कोई यदि यानी कि कैट को यदि कोई बेल बांधने जाए तो वो क्या होगा, जोखिम उठाएगा ही उठाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जोखिम उठाना और टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। फिर अगला देखिए 37वां नंबर कि बिटवीन द डे व्हील एंड द डीप सी। तो बिटवीन द डे व्हील एंड द डीप सी का मतलब होता है कि दो गंभीर परेशानियों के बीच में रहना, बिटवीन टू डिफिकल्टी सिचुएशन। तो अब सपोज कीजिए इसका पहले मीनिंग समझिए, बिटवीन द डे व्हील, डे व्हील का मतलब होता है राक्षस, और दूसरा होता है डीप सी। तो अब सपोज कीजिए कि ये कोई एक पर्सन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इधर क्या है, एक तरफ डेविल है यानी कि ये राक्षस है, और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर है इसका एक समुद्र है यानी कि डीप सी है। तो अब बताइए कैसा सिचुएशन में है, ये दोनों तरफ से गंभीर सिचुएशन में है, इसको पता नहीं चल रहा है कि ये समुद्र में कूदे या फिर इधर राक्षस है तो इधर राक्षस की तरफ जाए। तो ये कैसा है, दो परेशानियों के बीच में अटका हुआ है। तो आप लोग इसको इसी तरीके से याद कीजिए कि एक तरफ जैसे वही आपका एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, वही वाला हो गया सिचुएशन। तो यानी कि दो गंभीर परेशानियों के बीच में जो रहता है, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बिटवीन द डे व्हील एंड द डीप सी। फिर अगला देखिए बिग गन, 38वां नंबर है। बिग गन का मतलब होता है कि ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, यानी कि एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन कि जो बहुत ही पहुंच वाला हो। तो आप सपोज कीजिए कि ये फिगर में देखिए, ये आदमी के पास क्या है, दो बड़े बड़े बंदूक है। तो अब बड़ा बड़ा बंदूक किसके पास होगा, जो बहुत ही ऊंचा व्यक्ति होगा, यानी कि ऊंचा पहुंच वाला व्यक्ति होगा। छोटे व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, उनके पास छोटा बंदूक होगा यानी कि स्मॉल गन होगा। लेकिन जिसके पास बिग गन होगा वो कैसा होगा, ऊंचा पहुंच वाला व्यक्ति होगा, और वो तो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा। तो आप लोग इसी तरीके से याद कीजिए। फिर अगला देखिए कि बर्ड ऑफ पासेज है। बर्ड ऑफ पासेज का मतलब होता है कि यदा कदा आने वाला, या वन हु कम्स ओकेजनली, यानी कि ऐसा रास्ता, यानी कि जो ऐसा रास्ता जहाँ पे कोई पर्सन कभी कभार ही आए, यानी कि हमेशा ना आए, कभी कभार ही आए। तो यदा कदा आने वाला ऐसा रास्ता जो कहीं पे मतलब कि फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, वो ओकेजनली आते हैं, तो वो क्या हो जाए आपका बॉर्डर पासेस। तो अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक पर्सन है, ये एक रास्ते से जा रहा है, लेकिन ये कहाँ कैसा जा रहा है, एक रास्ते से, वो ऐसा रास्ता है कि जो हमेशा उस रास्ते से नहीं जाता है, कभी कभार ही जाता है, यानी कि ओकेजनली जाता है। तो बर्ड ऑफ पासेज का मतलब आप इसको याद रख लीजिए कि कोई एक बर्ड है या आदमी है, कोई वहाँ क्या हो रहा है कि पासेज कर रहा है उस रास्ते से। तो आपको दिमाग में अब याद कीजिए इसी तरीक़े से। फिर उसके बाद अगला देखिए कि बर्ड्स आई व्यू हो गया। तो
तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कि सरसरी निगाह या एक ओवर व्यू। ओवर व्यू का मतलब होता है कि पूरे अच्छे तरीका से ना देखना, बस एक केवल बाहर से देख लेना, कि जैसे बोलते हैं ना कि आप लोग जितना ही मैंने आपको पढ़ाया पहले आप उसका ओवर व्यू ले लीजिए, मतलब आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या मैंने पढ़ाया, पूरा डीपली नहीं, आप लोग ओवर व्यू ले लीजिए क्या क्या हमने पढ़ाया। तो उसी का मतलब होता है बर्ड्स आई व्यू। तो अब सपोज कीजिए कि ये कोई एक बर्ड है, तो चिड़िया है, तो चिड़िया क्या करती है, एक ओवर व्यू लेती हो, पूरी तरह से देखेगी नहीं, केवल एक सरसरी निगाह से ही देख लेगा कि कहाँ क्या है कहाँ नहीं है, मतलब एक ओवर व्यू लेना। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो जाएगा कि सरसरी निगाह, या हो गया इसका ओवर व्यू ले लेना, यानी कि पूरा डीपली में ना जाके हम लोग केवल बस ऊपर ऊपर जैसे कि हाँ मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, वो हो गया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 41वां नंबर, देखिए कि बर्ड्स ऑफ फिदर्स। तो बर्ड्स ऑफ फिदर्स का मतलब होता है कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी कि पीपल विथ द सेम आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे पर्सन कि जो सेम आइडिया का हो या सेम इंटरेस्ट का हो या एक ही प्रवृत्ति के लोग हो, तो उनको बोला जाता है बर्ड्स ऑफ फेदर। तो अब देखिए यह इस फिगर से आप लोग समझिए कि ये आपको क्या एक बर्ड्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है फेदर है, यानी कि इनके जितने भी फेदर्स हैं सब क्या है, सबके एक जैसे हैं। तो अब सबके एक जैसे हैं इसमें, तो एक जैसे हैं, तो एक जैसे जिसके भी, यानी कि जिसके भी एक जैसे होंगे यहाँ पे फिदर्स या उनके पंख होंगे, तो वो एक साथ आपको उड़ते हुए दिखेंगे। तो आपको इसी से इमेजिन कर लेना है कि बर्ड्स ऑफ फेदर है, यानी कि एक ही पंख वाले जितने पक्षी हैं वो क्या है, एक साथ रहेंगे हमेशा, या एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं सारे, या एक ही प्रवृत्ति के पक्षी है। तो इसका मतलब आप लोग यहीं से रिलेट कर लीजिए कि एक ही प्रवृत्ति के लोग तो आपको जब भी दिखेंगे तो ये झुंड में ही दिखेंगे, तो बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब होगा एक ही प्रवृत्ति के लोग। अब अगला देखिए, इसमें 42वां नंबर है कि बाइट द डस्ट। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है पराजित होना या टू बी डिफीटेड। अब जैसे आप बोलते हैं ना किसी को धूल चटाना, यानी कि आप किसी को आप जैसे कि हरा देते हैं, या तो उसको बोलते हैं धूल चटाना, बट यहाँ पर क्या है कि आदमी स्वयं पराजित हो रहा है। तो इसका मतलब होता है बाइट द डस्ट, यानी धूल चाटना, यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया। तो ये पर्सन क्या कर रहा है कि ये हार गया है, अब धूल चाट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये पराजित हो गया है, यानी कि पराजित हो गया है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाइट द डस्ट। तो ये आप एग्जांपल से इसको आप मेमोरी से याद रखिएगा। फिर अगला देखिए ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति कि जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, यानी कि अ पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम या एटीसी। तो अब देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा शिप कैसा होता है, यानी भेड़ कैसे होते हैं, सब व्हाइट कलर के होते हैं यानी सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन इसके बीच में एक काला रंग का भेड़ आ चुका है। तो जब भी कोई एक ऐसा ब्लैक शिप आएगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक परिवार के लिए एक शर्मिंदगी का जैसा है, ये शर्मिंदगा महसूस करेगा, अरे भाई सब व्हाइट है, सब उजले रंग के हैं, मैं काला हूँ, तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगा ही करेगा, यानी कि वो शर्मिंदगी का कारण बनेगा कि भाई ये मैं कैसे काला हो गया हूँ। तो आप लोग इसी से रिलेट कीजिए कि ब्लैक शिप का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा व्यक्ति या परिवार जो टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। तो आपको बस रिलेट करके ही याद रखना है सबको। फिर अगला देखिए 44वां नंबर है ब्लाइंड एली है। तो ब्लाइंड एली का मतलब है इसमें कि कार्य जिसमें आगे प्रवृत्ति संभव नहीं हो, यानी कि ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। तो अब इसमें देखिए क्या है कि जब आप ब्लाइंड एली, सबसे पहले आप एली का मतलब समझिए। एली मतलब होता है कि जैसे आप किसी के साथ आप ग्रुप में सम्मिलित होता है, यानी कि आपके पार्टनर लोग या फिर आपके मित्र लोग हो गए, तो वो क्या हो गए, आपके एली हो गए। तो ब्लाइंड एली का मतलब है कि यदि आप कोई ब्लाइंड एली फॉलो कीजिएगा, यानी कि कुछ भी अपने ग्रुप में डिसाइड किया अपने बिना सोचे समझे, तो वो क्या होगा आपका, कि वो ऐसा कार्य है कि जिसमें आपको प्रगति संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने ब्लाइंड एली फॉलो किया है, यानी बिना सोचे समझे हुए ही आपने ग्रुप बना लिया। तो वो क्या हो गया आपका, एक ऐसा सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा कार्य है कि जिसमें आपको प्रगति आगे संभव है ही नहीं। तो आप लोग इसी से रिलेट याद कीजिएगा। फिर अगला देखिए 45वां नंबर ब्लाइंड डेट है। तो ब्लाइंड डेट का मतलब होता है कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, या इंग्लिश में हो गया इसका कि अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नेवर मीट बिफोर, यानी कि ऐसे व्यक्ति से मिलना कि जिससे कि आप पहले कभी मिले ही ना हो, यानी कि अनजान व्यक्ति से मिलना, तो वो क्या हो गया, ब्लाइंड डेट हो गया। तो अब जनरली डेट से क्या होता है कि डेट पे जैसे कि दो लोग मिलते हैं तो जाना पहचाना हुआ होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लाइंड का मतलब है कि बिना देखा, यानी कि जो अंधा होता है। तो यानी कि अब जब भी अंधा विडेट कीजिएगा तो क्या हो गया आपकी, मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहा है, यानी कि आप उसको नहीं जान रहे हैं। तो आप लोग इसको फिगर से रिलेट कीजिए कि ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है कि ये कोई एक अनजान
मतलब कि अनजान किसी महिला से मिल रही है, तो ये क्या हो गया, ब्लाइंड डेट हो गया। तो इसी तरीका से ही आपको जितना भी मैंने बताया आपको उसी तरीका से रिलेट करके ही याद रखना है आपको। तो आई होप कि जितना ही मैंने आज आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसी इसी की तरह मैं जितना भी आपको एडियम्स एंड फ्रेजेज है वो ख़त्म कराता चलूँगा आपको। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे चैनल से, ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा सके इसका। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके लिए हम नेक्स्ट सेक्शन बहुत जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए बाय।